हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च IHTSE के क्लास फिफ्थ की सिलेबस, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाली है समर 2022 में। और इसके रजिस्ट्रेशन अभी भी आप ऑनलाइन जाकर इंडिविजुअल करवा सकते हैं। इस है मई में होने वाली है, तो चलिए इसके सिलेबस जानते हैं। और इससे संबंधित प्रॉपर पूरा वीडियो मैंने एक बनाकर डाल रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाएंगे, कब एग्ज़ाम होने वाली है और किस प्रकार इसमें आप पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे अवश्य देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास फिफ्थ के लिए इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे, एंड टोटल इसमें जो है आपके 5 टॉपिक्स को अलग अलग सेक्शन में बांटकर एग्जाम ली जाएगी। 5 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमारा सिलेबस है पैटर्न, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, ज्योमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड्स, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंटेंस, डे एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, जनरल क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन आ जाता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके रहेंगे नंबर सेंस, कंप्यूटेशन ऑपरेशंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेजरमेंट, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज, एंजल्स, पैरामीटर एंड एरिया, सिमेट्री, डाटा हैंडलिंग, जनरल मैथ। थर्ड सेक्शन में आपका आ जाएगा साइंस, जिसमें एनिमल, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, प्लांट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड कैलमाइटीज, अर्थ एंड यूनिवर्स, मैटर, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जनरल साइंस। एंड फोर्थ सेक्शन हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का, जिसमें आपकी आ जाएगी वोकैबुलरी, वर्ड पावर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड फ्रेजर वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच, प्रोवर्ब्स एंड आइडोम्स, कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड जनरल। और लास्ट फिफ्थ सेक्शन में आपका आ जाता है स्कॉलर सेक्शन, इसके अंतर्गत हायर थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आपने ये देख लिया, यही क्लास फिफ्थ के लिए टोटल सिलेबस रहेगी। और आपने ध्यान दिया होगा सॉरी कि इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस जो है, जो क्लास फिफ्थ के लिए CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस रहते हैं, ऑलमोस्ट वही सिलेबस इसके भी रहते हैं। कुछ सम क्वेश्चंस डिफरेंसेस, कुछ सम क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।